हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी गेट चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको गेट ESE 2021 के लिए क्लासेस दी जा रही हैं। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ SSC JEE 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इससे पहले बेटा मैं जो हूँ 7 वीडियोस बना चुका हूँ, 7 वीडियोस फॉर SSC JEE, ठीक है। और इन सभी को मैंने PDF टेलीग्राम चैनल में दे दी है। वाइजेक स्टील पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, 8 वीडियोस, ठीक है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और गेट पर भी मैं, गेट फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, उस पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा। सारे के सारे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा आगे बढ़ेंगे अपना। देखिए बेटा, अनअकैडमी ने 20,000 फ्री लाइव क्लासेस का मिशन इंश्योर करा है जिससे आपका लर्निंग प्रोसेस स्टॉप ना हो, ठीक। आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, ठीक है। कुछ बात जिसपे मैं काफी एम्फेसाइज करता हूँ बेटा, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट राहुल। पहली बात, ये ग्रुप है, इसके अंदर एक डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है। ग्रुप के साथ मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी स्टार्ट किया है, बना रखा है, ठीक। जैसे ही आप इलेक्ट राहुल टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको वहां पर मेरा चैनल मिलेगा, ऑफिशियल चैनल, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों कह रहा हूँ बेटा, इसी में मैं आपको PDF देता हूँ, ठीक है। नोट्स भी इसी के अंदर आपको मिलते हैं। आपके डाउट, आपकी कोई क्वेरी, आपको कोई कमेंट है, कोई बात है, तो आप मेरे को इस चैनल के माध्यम से अपनी बात बता सकते हैं। इस चैनल के थ्रू आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और अपना जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से ले भी सकते हैं, PDF एंड नोट्स, ठीक। तो प्लीज़ इस चैनल को आके सब्सक्राइब करें, आप ही के लिए बेनिफिशियल है। दूसरी बात है बेटा, ये मेरा कोड है Rahul11 इज माय कोड फॉर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर, ठीक है। तो मेरा जो कोड है Rahul11, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, वहाँ पर भी मैं स्पेशल क्लासेस में ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है प्रोसेस यूट्यूब पे भी है, अनअकैडमी पे भी है, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर वोल्टेज ड्रॉप इन अल्टरनेटर इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, या ऑल ऑफ द अबव। बेटा अगर देखा जाए तो जो आर्मेचर मतलब अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किसकी वजह से होता है भाई? रेजिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन वेरी लेस अमाउंट रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है बेटा इसका? आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। और आखिरी में आपका है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इनकी वजह से आपको जो पूरा का पूरा इंपीडेंस मिलता है ये इसी का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। तो आपको जो V मिलेगा अल्टरनेटर में वो Z ये मिलेगा, ठीक है। और ये जो Z होगा ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों को आपने माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड ड्यूरिंग स्टार्टिंग? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, या थ्री फेज इंडक्शन मोटर? बेटा जाहिर सी बात है, इट इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि हम सभी को पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जैसे हम सिंगल फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं तो हमारी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस फील्ड के भी दो कॉम्पोनेंट होते हैं,
अब वो दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं रोटर पे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से रोटर क्या होता है, रोटेट नहीं करता, अपनी जगह पर फिक्स्ड रहता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमें, हमारा नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, फिर फेज स्प्लिट करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, ठीक। आगे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिंगल फेस शेडेड पोल इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द सप्लाई टर्मिनल कनेक्शन टू द स्टेटर वाइंडिंग, कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ शेडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू द मेन पोल, और कैन बी रिवर्स्ड बाय रिमूविंग वन शेडेड रिंग, और ऑप्शन डी है कैन बी रिवर्स्ड बाय ओपन सर्किटिंग द शेडेड शेडिंग रिंग, ठीक है। तो आपको ठीक, इसका जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है, कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ शेडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू द मेन पोल, ठीक। ये कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, कि स्टेटर पोल को कितना 180 डिग्री रिवर्स्ड करके हम ऐसा कर सकते हैं, हालांकि उसमें एक सिंगल कॉयल ही होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट ऑफ एसी सीरीज मोटर इज ओनली पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इंडक्टेंस बढ़ाने पे तो पावर फैक्टर कभी इंप्रूव होने का ही नहीं है, ठीक है। डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग, इक्वलाइजिंग द रेजिस्टेंस टू आर्मेचर रिएक्टेंस, नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बेटा बी, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो है बेटा वो डायरेक्टली रिलेटेड विद किससे होता है हमारा, एक तरीके से बात करी जाए रिएक्टेंस ऑफ द फील्ड और आर्मेचर सर्किट से। तो अगर हम इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो हमारा एंगल की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू विल रिड्यूस्ड, और पावर फैक्टर जो होगा इट विल इम्प्रूव्ड, क्योंकि जब एंगल यहाँ रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 पर हमें पता है पावर फैक्टर इज जीरो और कॉस जीरो पर इट इज वन, तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी फाई की वैल्यू वो क्या होगी, वो डिपेंड किस पे करेगी, कम करने पर पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव्ड होगा, और जब पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव्ड होगा तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बड़ा, डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंस एंड आर्मेचर वाइंडिंग। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया है तो आसानी से कर देंगे इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए रिलक्टेंस मोटर इज इनकरेक्ट, पहला इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑर्डिनरली, इट डायरेक्शन नो डीसी फील्ड एक्साइटेशन फॉर इट्स ऑपरेशन सही, इट इज नथिंग एज ए सिंगल फेज सैलियंट पोल सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर सही, इट्स सिंक्रोन स्क्वेरल केज रोटर इज ए अनसिमेट्रिकल मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू वेरी द रिलक्टेंस पाथ बिटवीन, बिल्कुल सही है, ये तो राइट स्टेटमेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑर्डिनरली, ठीक है, ये एक इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ए हिस्टेरेसिस मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोटर, एडी करंट लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बेटा ये हिस्टेरेसिस लॉस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है हिस्टेरेसिस लॉस पर होता है, जितना हिस्टेरेसिस लॉस होंगे इज हाई, ठीक है। इसका जो रोटर होता है बेटा, इसके रोटर में ये कुछ बातें हैं इसके याद रखो, इसके रोटर में हाई रिटेंटिविटी होती है। सो जब रिटेंटिव, मैंने आपको पूरा कर पढ़ाया अच्छे से डिटेल में, मैंने एक्सप्लेन करा बताया था, जब ये चीज़ें हाई होंगी, हाई रिटेंटिविटी, तो हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होगा, हाई होगा।
क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द लूप जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, कुछ और बातें भी, इसके रोटर में क्या नहीं होती बेटा, नो वाइंडिंग, ठीक। और सबसे अच्छी बात क्या होती है इस मोटर की, अगर बात करी जाए, दिस मोटर इज फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन, मैग्नेटिक वाइब्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कहाँ, कौन से इंस्ट्रूमेंट में करते हैं बेटा हम, सारी चीजें यहीं रिवाइज कर लो आप, बार बार क्वेश्चन, म्यूजिक, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और टेप रिकॉर्डर्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इसे याद रखिएगा, हिस्टेरेसिस मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट चलते हैं। इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू, तो बेटा देखो आपको इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वोल्टेज का स्क्वायर। अब ये कैसे है? क्योंकि हमें पता है ये जो टॉर्क होता है फाई आई टू कॉस फाई टू के बराबर होता है, इन दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक। एस इवन कर देंगे, ठीक है, और यहां पर ये इसका भी एक कंपोनेंट आएगा तो ये भी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो जैसे यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये टॉर्क जो है वी के स्क्वायर होगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के। नेक्स्ट, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर डज नॉट हैव एडवांटेज ऑफ, पहला क्या बेटा, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के पास क्या एडवांटेज नहीं होते, रब कंस्ट्रक्शन होती है, लो इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, बिल्कुल सही है, तभी ये टॉयज वगैरह में यूज भी होती है, ठीक है। कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल स्टार्टिंग करंट, ये भी सही है, लेकिन इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क बेटा नहीं होता, ये जो है ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये इसका कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, इसके पास क्या होता है बेटा, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, लो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है रिलायबल होती है, कंस्ट्रक्शन रग्ड एंड रिलायबल, ठीक है, लो इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक, कंपैरेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग करंट, स्मॉल स्टार्टिंग करंट भी होता है इसका। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर नोट करके लिख लो बेटा, एक छोटा सा बना के अपना। तो शेडेड पोल के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही फ्रेम होते हैं। फिर क्या इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है बेटा, कम होती है काफी, ठीक है, और ट्वाइस में इसका यूज किया जाता है, ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर आप रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन, ठीक है, प्राइम मूवर, कंडेंसर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बेटा ये कुछ पावर सिस्टम के क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये सारे के साथ, देखो प्राइम मूवर भी चाहिए हमें जनरेटर को घुमाने के लिए, वर्क टर्बाइन जो है वो ऐसे ही वर्क करता, कंडेंसर की भी जरूरत होती है हमें जहां पर स्टीम आएगी उसके बाद ठंडी होती है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी हमें जरूरत होती है कि पानी के अंदर जो है खारापन नहीं होना चाहिए ज्यादा, ठीक है,
वाटर हीट ट्रीटमेंट प्लांट भी हमें जरूरी होता है, क्योंकि स्टीम के बाद बहुत सारा पानी हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो वापस हमें क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ पानी भी लेना पड़ता है, तो उस पानी को पहले बॉयलर में जाने से पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजरना पड़ता है, अदरवाइज वो पानी क्या करेगा बॉयलर को हमारे डैमेज कर देगा और हमारे टर्बाइन ब्लेड्स को भी डैमेज कर सकता है अगर हम खराब पानी का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा क्या है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट रिक्वायर्ड द लार्जेस्ट एरिया टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये तो अभी आपको जो इसका आंसर है आप तुरंत दे सकते हैं, क्या है सोलर पावर प्लांट है इसमें, तो क्योंकि देखिए डीजल पावर प्लांट क्या है, ये भी स्टीम पावर प्लांट की तरीके से होते हैं, पीक लोड पर इनका यूज करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी क्या है, स्टीम पावर प्लांट है, काफी बड़े एरिया में सेटअप होते हैं, ठीक है ना, और थर्मल पावर प्लांट भी। लेकिन ये जो सोलर पावर प्लांट है इसमें सेम अमाउंट को पावर करने के लिए हमारे को क्या लेना पड़ता है, बहुत बड़ा एरिया एक्वायर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो सोलर प्लेट्स होती हैं इनकी जो एक प्लेट का प्रोडक्शन होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए छोटी सी प्लेट से। तो जब हम बहुत बड़ा एरिया लेते हैं उसमें सोलर प्लेट लगाएंगे तब जाके हमारा क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे जितना हम इससे करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इसका भी एक ड्रॉबैक है कि आपको बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर करनी पड़ती है। लेकिन आपको फिर क्या करते हैं गवर्नमेंट, जैसे आजकल देखा होगा सोलर रूफ वगैरह पर हम इसे सेटअप करते हैं, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। सर्ज डाइवर्टर एंड सर्ज एब्जॉर्बर आर टाइप ऑफ रिलेज सर्किट ब्रेकर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस एंड रिएक्टर्स। बेटा सर्जेस क्या होते हैं, अनट्रांजिएंट फॉर्म में, बहुत सारा ट्रांजिएंट फॉर्म में आपको क्या है जो वोल्टेजेस आते हैं, तो ये क्या होते हैं सर्जेस, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं इसे। तो आपकी जो फाइनल स्टेडी स्टेट में वोल्टेज होती है उससे लार्ज अमाउंट ऑफ में आपको यहां पर क्या वोल्टेजेस मिलती है। तो ये क्या है, सर्ज डाइवर्टर और सर्ज एब्जॉर्बर जो होते हैं वो एसी ओवर वोल्टेजेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इन सर्जेस को बेटा हम डाइवर्ट नहीं करेंगे ना, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके अगर घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं तो आपका देखना आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उन पर बहुत मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो डैमेजेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनकी लाइफ साइकिल पे भी असर पड़ता है, ठीक, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो इन सारे तभी हम उसके लिए यूपीएस भी लगाते हैं जिससे वोल्टेज हमारी क्या बनी रहे, स्थिर भी बनी रहे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक कॉमनली यूज्ड पॉलीफेज सिस्टम इन इंडिया। बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, तो यहीं से पता चलता है हम कौन सा यूज करते हैं, थ्री फेज, टू फेज भी नहीं करते, सिंगल फेज भी नहीं करते, सिक्स फेज भी नहीं करते, ठीक है, कॉमनली यूज्ड, ठीक है, मतलब इसका डोमेस्टिक लेवल पर यूज है, बट मेनली वो सॉरी सिंगल फेज का, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे सही कर देता हूँ फ्रॉम माय साइड, ठीक है, थ्री फेज का हम इसे यूज करते हैं क्योंकि फॉर इंडस्ट्री मेनली जो पर्पज है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। सिंगल फेज पे तो डोमेस्टिक लेवल में आती है, रेजिडेंशियल एरिया में आती है, ठीक है, तो सिंगल फेज आप ना लगाएं। पहली बात देखो, जहां कंफ्यूजन होगा बच्चे को उसमें क्या होगा सिंगल फेज और थ्री फेज में, लेकिन यहां पहली बात तो पॉली लग गया, जब पॉली फेज हो गया तो बहुत सारे फेज की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर तो थ्री फेज है, लेकिन कुछ बच्चे सिंगल फेज पे भी टिक कर देंगे जल्दी जल्दी में, तो वो नहीं है क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंडस्ट्री के लिए, ठीक, वो तो बाद में मिलता है हमें, ठीक। आगे चलते हैं,
तो राइट आंसर है बेटा इसका थ्री फेस, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर या ट्रांसमिशन लाइन। बेटा ये तो हम सभी को पता है, अल्टरनेटर या जनरेटर के अंदर नेगेटिव सीक्वेंस रिले हम लगाते हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती है नेगेटिव सीक्वेंस करंट से, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉल्ट, जब डेंजरस सिचुएशन, और ये बहुत डेंजरस होता है फॉर मशीन, ठीक है, ठीक है, अनबैलेंस। नेक्स्ट चलते हैं, ए कंज्यूमर कंज्यूम 600 किलोवाट आवर पर डे एट ए लोड फैक्टर 0.5 विदाउट इंक्रीजिंग द मैक्सिमम डिमांड, इफ कंज्यूमर इंक्रीज द लोड फैक्टर टू 0.8 द कंजप्शन ऑफ द एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, लोड फैक्टर का फॉर्मूला। काफी बार मैं, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई वन डे एग्जाम्स में, और जनरेशन लेवल पे तो ये क्वेश्चन जरा थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो हैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड, एवरेज एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम, ठीक। तो अभी लोड फैक्टर कितना बेटा मेरा 0.5, कितना ले जाना है मुझे 0.8, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना ये जो एवरेज एनर्जी है इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज्ड करना पड़ेगा। वो ये पूछना चाह रहा है कि इतना मैं इंक्रीज्ड करूं, तो यहां से मैं अपनी मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकता हूं। सबसे पहले जब मुझे ये दिया हुआ है और 600 दिया हुआ है, तो मैं मैक्सिमम निकाल लेता हूं पहले, तो मैक्सिमम मेरी कितनी आ जाएगी बेटा, ट्वेल्व हंड्रेड किलो वाट आवर, ये तो मैक्सिमम आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज एवरेज एनर्जी कंज्यूम, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1200 मैक्सिमम, ठीक है, लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 960 किलोवाट आवर। चलो, ट्रिप ऑफ कॉइल ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज एनर्जाइज्ड बाय डीसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, एनी वोल्टेज सोर्स एसी और डीसी, या नो सप्लाई इज रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा। तो आपकी जो ये ट्रिप होती है, इसे चाहे तो आप एसी से कर लें या डीसी से कर लें। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये बस बार है आपकी, ठीक बेटा, ये आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर है, तो इसकी जो ट्रिप कॉइल होगी वो यहां होगी, ठीक है, ये ट्रिप सर्किट होगा। तो इसे एनर्जाइज करने के लिए हम किसी भी सोर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये ठीक है, और ये आपकी क्या है, दिस इज अवर रिले, दिस इज अवर सीटी, ये है रिले कॉइल। अगर सीटी में सीटी सेंस करेगा करंट के अमाउंट में कुछ चेंजेस हुए, इट विल सेंड इट टू द रिले कॉइल, और रिले कॉइल जो है वो क्या करेगी, इस रिले कॉन्टेक्ट्स को क्लोज कर देगी। तो इससे ट्रिप सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिप सर्किट। तो यहां हम एसी और डीसी एनी वोल्टेज, आगे चलते हैं। While using an air blast circuit breaker, current chopping is a phenomena often observed by when a long overhead line is switched off, a blank of capacitor is switched off, ठीक है, blank शायद गलत है, bank of capacitor is switched off होगा,
A transformer on no load is switched off. A heavy load is switched off. तो बेटा ये जो while using air blast circuit breaker है, तो ये जो है ना ये phenomena आप अगर transformer पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है. Transformer on no load is switched off. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर लोड करंट क्या होगा, ना के बराबर. वेरी जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, लो इंडक्टिव करंट होगा. ठीक है, और यही कंडीशन क्या हो चाहिए होती है हमारी, करंट चॉपिंग क्या ड्यूरिंग होती है. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज स्विच्ड ऑफ. आगे चलते हैं. मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड व्हेन द रिएक्टेंस. बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है. इस फॉर्मूले को अपने माइंड में बेटा हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड होगी, ये कौन से केस के बारे में बात कर रहा है बेटा? ये वैसे एक्चुअली में यहां पर एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है. यहां ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात उसे कहनी चाहिए थी. अगर वो ट्रांसमिशन लाइन बोलता तब ये वाला जो है कंडीशन ये बिल्कुल वैलिड है. बट कोई नहीं, फिर भी अगर ऐसी कंडीशन कभी आए आपको नहीं दे रखा तो अंडर रूट 3/r वाला जो है ये बिल्कुल राइट है. ठीक है, यानी जब आपका जो लाइन का रिएक्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस के अंडर रूट 3 times हो जाएगा, तो पावर जो ट्रांसफर्ड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम पावर कंडीशन, मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर्ड होगी एट दैट टाइम. ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी. तो इसलिए लाइन, ये जो एक्सेल होता है इज वेरी लार्ज कंपेयर टू आर. ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होगा. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द कनेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टार स्टार कनेक्टेड 3-phase ट्रांसफॉर्मर. देखो बेटा, इसके लिए ना ये क्वेश्चन काफी बार आता है, तो इसके लिए एक चीज बता देता हूं कि जो भी टाइप दिया उसका अपोजिट कर दो बस. अगर यहां स्टार स्टार बोला है तो चुपचाप से आपके जो 3-phase ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन होंगे, ठीक है, फॉर सीटी ट्रांसफॉर्मर, मतलब फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए जो कनेक्शन आप एम्प्लॉयड करेंगे फॉर दिस 3-phase ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मर किसमें है, स्टार स्टार में, तो आप इसे किसमें करेंगे, डेल्टा डेल्टा में करेंगे. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. अगर ये कह देता बेटा स्टार डेल्टा, तो उसका अपोजिट कर दो बस आप जो दिया. डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्ट इज कॉस्ट ऑफ स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट इज मोर फॉर ए गिवन लोड. लो पावर फैक्टर मेक्स वोल्टेज रेगुलेशन पुअर. बिगर साइज कंडक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम एनर्जी ट्रांसमिशन एट लोअर पावर फैक्टर. ऑल ऑफ दीज. तो बेटा आपको देखो, सबसे पहली चीज तो ना क्या पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो ये है. क्यों? आपको पहले डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए. देखो, ठीक, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है करंट और पावर फैक्टर में. अगर पावर फैक्टर लो है तो यानी ये वैल्यू क्या हुआ है, आप ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका
लार्ज केवीए रिक्वायरमेंट होगा, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या होगा, ग्रेटर कंडक्टर साइज हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, जब कंडक्टर साइज ज्यादा है तो आपका कॉपर भी क्या होगा, लार्ज कॉपर लॉसेस, यानी करंट भी ज्यादा है तो आपके आई स्क्वायर आर लॉसेस भी ज्यादा होंगे सिस्टम में। जब लॉसेस ज्यादा होंगे तो आपको सेंडिंग एंड पर वोल्टेज, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड में बहुत ज्यादा ड्रॉप दिखाई देगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहा जाएगा, पुअर। पांचवा, रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, आप कम पावर को क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। इसलिए पावर फैक्टर का इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। बिगर साइज कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर द सेम एनर्जी ट्रांसमिशन एट लो पावर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। कॉस्ट ऑफ द स्टेशन इक्विपमेंट आर मोर फॉर ए गिवन लोड, लो पावर फैक्टर वोल्टेज, सारे पॉइंट्स आ गए बेटा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, ठीक, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि केवीए रेटिंग बढ़ गया, लो पावर फैक्टर वोल्टेज जो रेगुलेशन है वो पूरा हो गया, और बिगर साइज्ड कंडक्टर आर रिक्वायर्ड, ठीक, वो सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट रेट टैरिफ इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू, पहला, अराइव एट ए लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर टू डिसाइड द टैरिफ, दूसरा, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, थर्ड, कंट्रोल द डिजायर्ड पावर फैक्टर, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बेटा, अराइव एट ए लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर टू डिसाइड द ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं बेटा। द डिस्ट्रीब्यूशन फीडिंग सिस्टम ऑफ ए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज, ठीक है, वन फीडर, इसका आंसर क्या है बेटा, वन फीडर। गुड रिले शुड पोजेस स्पीड रिलायबिलिटी, स्पीड सेंसिटिविटी, एडिक्वेटनेस एंड सेलेक्टिविटी एंड ऑल ऑफ दीज, बेटा ये सारे के सारे इसका राइट आंसर है। स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ये सब इसके गुड, एक जो अच्छी रिले है उसकी ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ए 20 मिली फैरेड कैपेसिटर इज इन सीरीज विद 150 ओम रजिस्टर, द कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड अक्रॉस 40 वोल्ट डीसी सोर्स, द टाइम कांस्टेंट, तो बेटा इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, इजी है, टी इज इक्वल्स टू आर सी, 20 मिली है माइनस 3, इट इज मल्टीप्लाई बाय 150, 3 सेकेंड, क्योंकि दिस इज 30, ठीक, 3 सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ टेम्पररी मैग्नेटिक इज दैट वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यूज एनी मैग्नेटिक मटेरियल, डिक्रीज द स्ट्रेसेस लॉस या नन, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को टेम्पररी मैग्नेट्स में, कैसे, क्योंकि मेरा जो फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एमएमएफ ओवर रिलक्टेंस के, और फाई मेरा किसके बराबर होता है, एनआई ओवर रिलक्टेंस, तो अगर करंट की वैल्यू को मैं अप एंड डाउन कर तो यहां वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल गोइंग टू बी चेंज, यहां बदलेगी, और जब यहां वैल्यू बदलेगी तो मेरा जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा, टेम्परेरी मैग्नेट को यूज करके हम
जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एडी करंट्स आर द करंट्स जनरेटेड मूविंग कंडक्टर इन द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बोथ मूविंग कंडक्टर इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड और स्टेशनरी कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये दोनों कंडीशन हो, एडी करंट तो प्रोड्यूस होगा, चाहे कंडक्टर स्टेशनरी रहे मैग्नेटिक फील्ड में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, या स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रोटेट करे, ठीक है। ये दोनों बातों पे हमारा जो है एडी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो एडी करंट का डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा, इट विल प्रोड्यूस हीट। तो ये किस तरीके के लॉस के फॉर्म में आता है बाहर, हीट, जिसका हम कोई यूज नहीं कर पाते सिस्टम के अंदर, एज ए हीट लॉस की तरीके से ये चला जाता है। इसकी वजह से एफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है। और इसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशन, लैमिनेशन आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। आगे चलते हैं, कंडक्टर ऑफ, एक मिनट, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 meter moves at right angle to a uniform magnetic field of flux density 1.5 Weber per meter square with a velocity of 50 meter per second. Calculate the induced EMF when the conductor moves at an angle of 30 degree to the direction of field. तो बेटा सबसे आप पहले आपको ना एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, क्या होता है, बी एल, ये वाला, तो इनके बीच में ये फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा। तो बेटा मेरे को बी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका कितना दिया हुआ वैल्यू 1.5, लेंथ कितनी दी हुई है 3, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है मुझे 50। अच्छा इसमें कुछ कन्वर्ट हमें करना ही नहीं है क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में दिया है, तो इन बातों का ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में थोड़ा कभी कभी इस तरीके से कर देता है। तो अब हम यहां पर सारी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज द सेम एज दैट ऑफ, ठीक है, रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस, परमियंस, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, यूनिट ऑफ फ्लक्स इज सेम एज दैट ऑफ, इन तीनों से तो कहीं से कहीं कोई मैटर है ही नहीं बेटा, ठीक है। पहली बात तो यूनिट ऑफ फ्लक्स किसमें होता है बेटा, वेबर में, और फ्लक्स होता भी क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो पोल स्ट्रेंथ को भी हम डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट फील्ड डेंसिटी, ठीक, एक मिनट, पोल स्ट्रेंथ को कैसे देते हैं मैडम, कैन बी डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट फील्ड डेंसिटी, ठीक है, बी, ठीक। तो पोल स्ट्रेंथ जो है बेटा इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे चलें, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, द फील्ड ऑफ सेट ऑफ पैरेलल कंडक्टर, फील्ड इन विच ऑल लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा यही होती है जिसमें फील्ड इन विच ऑल लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस।
तो बेटा ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ से आती हैं और साउथ तक, साउथ से आती हैं नॉर्थ तक पहुंचती हैं। तो इनकी कुछ खासियत होती है, पहली बात तो ये क्या होती है, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर है। और देखो इनके बीच में दूरी भी क्या होती है बेटा, बिल्कुल बराबर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट, अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो बेटा ये देखो, मैग्नीट्यूड जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाय डी टी होता है, और ये डी फाई बाय डी टी जो होता है बेटा ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन आप इस फॉर्मूले को इस माइनस से भी पढ़ते हैं, ये जो माइनस है बेटा दिस रिप्रेजेंट द लेंज लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चले आगे, चलिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हैज ए यूनिट, हैज यूनिट एज, तो बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो यूनिट है म्यू इज इक्वल्स टू, अगर हम निकालना चाहें किसके बराबर आता है ये, हेनरी पर मीटर, ठीक, हेनरी पर मीटर इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट इज द एनालॉगी, देखते हैं बेटा, कंडक्टिविटी परमिटिविटी नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है ई नॉट, ठीक है, फील्ड डेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी नहीं, करंट चार्ज नो, यहां करंट का क्या होता है बेटा, फ्लक्स, ठीक है, कंडक्टिविटी परमेबिलिटी बिल्कुल सही बेटा। तो मैं आपको सारे का सारा लिखवा देता हूं, इनके बीच में बेटा एक एनालॉगी होती है कि मैग्नेटिक सर्किट में चीजें सब कुछ वही है, बस नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। जिस तरीके से फ्लक्स फ्लो करता है मैग्नेटिक सर्किट में, उसी तरीके से यहां क्या फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, करंट, ठीक है, जिस तरीके से फ्लक्स के फ्लो का अपोज करता है रिलक्टेंस, तो यहां कौन करता है, करंट के फ्लो का रेजिस्टेंस। फ्लक्स को ड्राइव कौन कराता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस एमएमएफ, यहां ये क्या हो जाता है ईएमएफ, ठीक। यहां अगर बात होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, और अगर कोई आपसे बोलेगा रिलक्टेंस का उल्टा क्या होता है, परमेनेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता बेटा, कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारी एनालॉगी आप अपने माइंड के अंदर याद करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो परमेनेंस, और ये क्या होता है इसमें, कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी।
ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बेटा। इन द लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट वोल्टेज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा देखो, अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है चीजें। क्या ये जो एल एम आर जी फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है बेटा, किसके लिए लगता है? मोटर के लिए। और उसमें हम क्या फाइंड करते हैं? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। आरजी किसके लिए लगता है बेटा? राइट हैंड रूल। फाइंड आउट क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, तो यहां पर हमारी थ्री फिंगर्स होती हैं, इंडेक्स फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर एंड दिस वन इज अवर थंब। ठीक है बेटा, तो इसे याद रखने का तरीका क्या बेटा? मदर, फादर, चाइल्ड। ठीक है, तो अब वो हमसे क्या कह रहा है? फोर फिंगर रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये जो एफ होता बेटा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता बेटा? इट रिप्रेजेंट फोर्स ऑन द कंडक्टर। और सी क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट। तो आपको अपने माइंड में ये ऐसे करके याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप फॉर ए स्पेसिमेन इज फाउंड टू बी लार्ज, दैट मीन द लॉस ऑफ द स्पेसिमेन वुड बी। देखिए आ गया ना मेरे इसी कॉन्सेप्ट पे, मैंने कल बताया था इट इज लार्ज। क्या बताया था बेटा मैंने? पहले तो ये लूप किस किस के बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। इस तरीके से ये लूप है हमारा। ठीक है, उसमें ये वाला पार्ट क्या होता है? रिटेंटिविटी होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा? कोर्सिविटी होता है। ठीक है, तो ओ से बी, सॉरी ओ से ए ले लेते हैं, ओ से सी, दिस इज रिटेंटिविटी। कभी कभी इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बचा हुआ ये जो मैग्नेटिज्म रह जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिमूव कर देते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कोर्सिविटी। ठीक है, बचे हुए मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर ये एरिया ज्यादा होगा, ये जो पूरा लूप है बेटा, इसका एरिया अंडर द कर्व निकलेगा एक, तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी लॉस ज्यादा होंगे। और एनर्जी लॉस मतलब हिस्टेरेसिस लॉस, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमेन। दिस इज द राइट वे टू एक्सप्लेन दिस बीएच कर्व और लूप। ठीक है, कभी कभी एयर का पूछता है, एयर का मैं कई बार बता चुका हूं, देयर इज ए नो सैचुरेशन इन दिस, इट इज स्ट्रेट लाइन। काफी बार डिस्कस कर चुका हूं क्योंकि बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन एसएससी जेई में, और हर बार कभी ना हमेशा ये फ्रेम आउट होते ही होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। द रेंज कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट?
एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, करंट, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, या तो वो शंट वाला मीटर लगा देंगे आंसर, या वोल्ट मीटर, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है सीटी। बेटा सीटी की मदद से हम क्या करते हैं, ठीक है, रेंज को एक्सटेंड करते हैं। जैसे मान लिया हाई वोल्टेज पे मेरे को करंट मेजर करना है, तो मैं एमीटर, एक तरीके से एमीटर ही काम आना, लेकिन उसकी रेंज को एक्सटेंड करने में कौन हेल्प कर रहा है, दिस सीटी। तो ऐसे ही पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए कौन करेगा, एसी वोल्ट मीटर। तो हम रेंज किसकी मदद से एक्सटेंड करते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है। सीटी इज द राइट आंसर, ठीक। आई होप ये लाइन आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट चलते हैं। द वाट मीटर मेजर द एंगल बिटवीन द करंट फेजर एंड डिटेक्टेड बाय डैश एंड द वोल्टेज फेजर डिटेक्टेड बाय द डैश, ठीक है। तो बेटा करंट कौन मेजर करता है, करंट कॉइल, और वोल्टेज फेजर कैन बी डिटेक्टेड बाय वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल आता है कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इट इज कनेक्टेड इन, भाई जाहिर सी बात है एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। तो जो करंट मेजर करने वाली कॉइल होगी वो भी किस में कनेक्टेड होगी, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में। तो जो वोल्ट कॉइल होगी वो किस में कनेक्टेड होगी, शंट या पैरेलल में। ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ बेटा हमने काफी सारे आज क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आ जाना आप सभी, यहाँ पे मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलरेडी 5 वीडियोस के पीडीएफ तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, ये 2-3 के जो वीडियो पीडीएफ है इन्हें भी मैं सेंड कर दूंगा आपको जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो काफ़ी मार्च हमारा कंप्लीट होने को आ गया है, तो आप खुद देखें हमने इस पूरे मार्च में कितना अच्छा आउटपुट लिया है। 9 वीडियोज़ हमने वाइजैक पे कंप्लीट करे, 8 वीडियोज़ हमने एसएससी जेई पे कंप्लीट करें, और लगभग 23 अराउंड वीडियोस हमने गेट पर कंप्लीट करें, ठीक है। और इन दोनों 17 वीडियो की बात करूं मैं आपसे, तो हमने शायद 600 प्लस अराउंड अप्रॉक्सीमेट लगभग इतने हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, 600 एमसीक्यूज। तो आप इन्हें गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी पर मेरा कोड है Rahul11, इस कोड पर आप जाएं, मुझे सब्सक्राइब करें, कोर्स लें। कोर्स लेने से आपको काफ़ी एडवांटेज होगा वहाँ पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइज़।